गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार PBR स्टडी में। मैं राजकुमार रघुवंशी आपकी शून्य से शिखर तक मैथ की क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 8 क्लास में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। पिछली क्लास में आपने देखा था कन्वर्जन, किलोमीटर को मीटर में, ग्राम को किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम, और मीटर सेंटीमीटर इत्यादि आपने पढ़ा था। उसका हमने आपको एक डेमो क्लास दिया था। अगर आपको उसको और भी डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ बने रहें और PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को इंग्लिश में भिन्न कहा जाता है। तो ये भिन्न होती क्या है, इसके संबंध में हम थोड़ा आपको गहराई से अनुभव कराते हैं। आप सोचिए, बचपन में आपने देखा होगा या फिर आप इस अवस्था में देखे होंगे, तरबूज आपने देखा होगा। तरबूज आपने देखा है, तरबूज को लोग प्रायः काट कर खाते हैं। कैसे काटा जाता है? गोला भी तरबूज होता है, लंबा वाला भी होता है, मतलब उसकी आकार कई तरह के होते हैं। या फिर आपने कद्दू देखा होगा, उसको भी काटा जाता है ना। तो आप इसको तरबूज मान लो या कद्दू मान लो, कुछ भी मान लो, तो क्या होता है इसका, मान लीजिए कि ये क्या है। चलो कद्दू सब देखे होंगे, तरबूज ना देखे होंगे, तो इसका हमने एक पार्ट किया, कितना मान लो, इसको आधे आधे से काट दिया। चलो ठीक है, इतना काट दिया। अब क्या होगा, इसके दो पार्ट हो गए। अब इसका एक भाग अलग हो जाएगा, जो वो कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, मैं नीचे नहीं उसी में दिखा देता हूँ। देखो, हमने काट दिया तो ये कितना बन जाएगा, ऐसे। मतलब इसका क्या हुआ, ये काट दिया मैंने, पूरा था जो आधा हो गया। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि उस पूरे तरबूज का या पूरे कद्दू का जो भी था, कद्दू को देसी में कोहड़ा बोलते हैं, उसका ये कितना भाग है बताओ भाई। सिंपल सी बात है, ये 1/2 है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को जितने भाग में तोड़ते हैं, नीचे उतना नंबर लिखते हैं और ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये बात याद रखना। अगर कोई एक वस्तु है तब ठीक। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा चित्र बनाऊँ, ये मान लो छोटा कद्दू है। अभी इसको हमने क्या किया, एक भाग में बीचों बीच से नहीं काटा, इसको हमने एक बार बीचों बीच से काटा, उसके बाद इसमें जो दूसरा टुकड़ा था उसके भी दो भाग कर दिए। अब इसको हमने कितने भाग में काटे हैं, आप गिनो, 1, 2, 3 भाग में काटा ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने भाग हैं, कैसे, तो आप कैसे बताओगे? आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा। आप ये मान लो कि चलो 4 भाग कर दिया, अब आसान होगा है ना। तो भैया देखो, ये पूरा कितना था, एक था ना, पूरा एक था, और कितना है ये, इसमें से हर एक की अगर बात करेंगे तो 1/4 है। सब आपस में क्या है, अपने में 1/4 है, प्रत्येक भाग क्या है, 1/4 है। लेकिन इसको कुछ दूसरी भाषा में समझो, अगर ये 1/4 है टोटल का, ये 1/4 है। जैसे अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, घर है, ज़मीन है, जायदाद है, जो भी है, आपके पापा की नाम की है, आप 4 भाई हैं, तो अगर 24 बीघा ज़मीन है, बीघा जानते हो ना, बीघा बिस्सा, तो 4 भाई हैं तो 6 बीघा आएगा ना, 6 चौक 24, यानी उसके 4 पार्ट हो जाएंगे ना। उसी तरह से इसको मान लो, इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझिए। अगर मान लीजिए कि हमने इसको कलर कर दिया, इस पार्ट को हमने क्या किया, कलर कर दिया, बहुत ध्यान से समझना, इसको मैंने कलर कर दिया और इसमें मैंने एक भाग को और भी कलर कर दिया। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ, इसमें से टोटल कितने भाग को कलरफुल बनाया गया है, टोटल उसको भिन्न रूप में दिखाओ, तो आप भिन्न रूप में कैसे दिखाओगे? आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। देखो, टोटल ये कितने पार्ट में कटा था, टोटल ये 4 पार्ट में था, उसमें से हमने कलर कितना किया, 2 पार्ट को कलर किया है, तो जितना कलर किया उस नंबर के लिखेंगे, टोटल कितने पार्ट थे उसको लिखोगे। यानी हमने क्या किया, 2/4 भाग को कलरफुल कर दिया है। 2/4 भाग का मतलब जानते हो, इसको हल करोगे 1/2 मतलब आधा, और वैसे भी देख लो आँख से, अपनी दृष्टि से, तो आधा कलरफुल हुआ है ना। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाए, और वो क्या हो जाए, थोड़ा सा बदलाव हो करके अगर इसमें ऐसे कर दो, आप ध्यान से समझो, ऐसे हमने बनाया था, इसमें हमने क्या किए थे भैया, 4 पार्ट कर दिए थे, लेकिन कलरफुल पार्ट मैंने ओनली 1 किया था। अब अगर आपसे हम पूछें कि कितना भाग कलरफुल है, उसे भिन्न रूप में लिखो, तो भिन्न रूप में आप कैसे लिखोगे कलरफुल भाग को, सोचो, बहुत आसान है। टोटल कितने पार्ट हैं इसके, टोटल 4 है ना, टोटल 4 हैं,
तो नीचे 4 लिखो, और कलर हमने कितने भाग को किया है 1, तो ऊपर 1 लिख दो बस। यानी इस भिन्न के, इस आकृति के, इस वस्तु के 1/4 भाग को कलरफुल किया गया है। अगर इसे आप कद्दू, कोहड़ा या तरबूज मान रहे हो, तो इतना अगर काट के निकाल लिया गया ब्लैक वाला, तो आपसे हम पूछें कि भैया ये बताओ इसमें से कितना भाग काट के निकाल लिया गया। ये अगर ये तरबूज था खाने वाला, या फिर कुछ भी चीज़ थी ऐसी जिसमें से हमने इतना भाग को काट करके निकाल लिया। मान लो ये बिस्किट है, बहुत अच्छा है, एक ही बिस्किट है, आप लोग बड़े ईमानदार हैं, अपने भाइयों को, दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं, उसी में से आपने 4 पार्ट कर दिए। अब ये जितना काट के निकाला गया इस आकृति से कितना निकला है, 1/4 भाग निकल गया। बात समझ में आई ना? यही होती है भिन्न, इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी भी संख्या या वस्तु के किसी भाग को उस संपूर्ण संख्या या वस्तु से संबंध प्रदर्शित किया जाता है तो इस क्रिया को भिन्न कहा जाता है। जैसे कि मैं संबंध प्रदर्शित कर रहा हूँ कि भैया इस कटे हुए टुकड़े का जो रिलेशन है इस पूरे से, वो क्या है, 1/4 है। बात समझ में आई ना? तो यही होती है फ्रैक्शन, आप समझ गए। इसके बाद इसका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तो आपको बहुत सारे चैनल पर मिल जाएगा, बहुत लोग बताएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। यानी ये सब लोग ज़रूरत नहीं समझते हैं, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में रेगुलर यूज होता है। आप हिस्सा बंटवारा करते हैं, आज देख रहे हो लॉकडाउन में बड़ी मारकाट हो रही, ज़मीन के लिए गोली चल जा रही, लात मुक्का सब चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इसके संबंध में जानकारी भी नहीं होती है, तो आपको सीखना ज़रूरी है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं और मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है PVR स्टडी। फ़ोन करते हैं, भैया वीडियो देखा हूँ मैं लेकिन कहाँ देखे हो नहीं पता है, तो फिर ऐसे करोगे नहीं क्लास देख पाओगे, इसलिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए। मैथ में कुछ भी नहीं आता, टेंशन नहीं लेना है, गारंटी हमारी होती है आपको मैथ पक्का आएगी, पक्का आपको मैथ आएगी, और बहुत अच्छे से आएगी। आपकी जो फीलिंग अंदर से ना, खुद को लेकर के कि हमें मैथ नहीं आएगी, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे दिमाग ही नहीं है, भगवान ने मुझे बुद्धि दिया ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। धरती पर जो भी प्राणी मौजूद है उसमें इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, और भगवान ने वहाँ पर बराबर बराबर हिस्सा में सबको बुद्धि दिया है, लेकिन जो जितना ज़्यादा यूज करेगा उसकी बुद्धि उतना तेज चलेगी, और जो बैठा रहेगा वो गोबर हो जाएगा। गोबर मतलब जान रहे हो ना, एक ही जगह पर, दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो चलो आगे, ये हो गई बात इतनी, तो भिन्न आप समझ गए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ना घटाना कैसे होता है, और इसके संबंध में और भी आप गहराई से पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप प्रीमियम क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि ये तो डेमो क्लास है भैया, 10-15 क्लास चलेगी, उसके बाद फिर आप फिर से शुरू से आ जाओगे। तो अगर अच्छे से मैथ सीखना तो आप ज्वाइन कर लें, और नहीं तो फिलहाल यूट्यूब पे तो हम आपको ऐसे देते रहेंगे बहुत सारी क्लासें, आप सीख पाओगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, इस तरह से टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दो तरह की भिन्नें होती हैं। हाँ, पहले बात कर लेते हैं ये क्या है। इस तरह से जो लिखा जाता है उनको, ऊपर वाली गिनती को अंश बोलते हैं, नीचे वाली गिनती को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर कहा जाता है, न्यूमरेटर, और इसे क्या कहा जाता है, डेनोमिनेटर, मिनेटर, ठीक है। जब हर यानी कि डेनोमिनेटर इक्वल होता है दो फ्रैक्शन का, उनको जोड़ना हो तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर ये अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों स्थितियों में कैसे होता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम कुछ पल के लिए, है ना, कुछ पल के लिए मतलब आप समझ गए, 1/2 में हमने 1/2 जोड़ा, इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें सबसे इजी होता है, जो नीचे नंबर इक्वल है उसको ऐसे लिख लो प्यार से, ऊपर वाले नंबर को जो भी है उसको ऐसे लिखो, बीच में जो साइन है ऐसे लगाओ, और बगल वाला नंबर भी लिख लो, दोनों जोड़ लो और उत्तर ले लो 2/2। इसको सिंपलीफाई कर लो अगर आपको आता है, तो नहीं आता इसी पे छोड़ दो, जोड़ना हो गया, लेकिन ये कम्प्लीट आंसर नहीं है। इसको सिंपलीफाई करोगे तो 1 आएगा, यही कम्प्लीट आंसर है, ठीक है। ये हो गया जब भिन्नों के हर बराबर हो। दूसरी अवस्था एक होती है जब भिन्नों के हर बराबर नहीं हो, ये अलग अलग नंबर हो, तब कौन सी मुसीबत होती है वो भी आप देख लो यहीं पर अपनी आँखों से ही। देखो कैसे, अगर ये अलग अलग है, अभी मैं इसमें दूंगा आप उसे करना, तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो LCM होता है, एक होता है तिरछा गुणा करना। तो LCM नहीं आता तो कमेंट करना, आपको LCM दे दिया जाएगा, वीडियो देख लेना, पिछली क्लास में मैंने बताया था तीसरी चौथी में, आप उसे ज़रूर देखना, इसका जो शून्य से शिखर वाला मैथ है, ठीक है। तो भैया इनका अगर हम LCM की बात करें तो 6 आएगा, LCM कितना आएगा, 6। अब जो LCM आया है उस संख्या में पहली भिन्न के हर से भाग करेंगे, मतलब 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, है ना,
और जो यहाँ आएगा ना इसको पकड़ के गुड़ा कर देंगे झट से उसके अंश में। मतलब हर से भाग किया, जो प्रोडक्ट मिला उसका ऊपर वाले में गुड़ा कर दिया, तो 3 × 3 धन। वही प्रक्रिया अगले में भी करेंगे, 2 × 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 आएगा, और 2 को पकड़ के ऊपर गुड़ा कर देंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। इस तरह से ये 5/6 आएगा। बात समझ में आई ना? एक बात और हम आगे आपको पढ़ाएंगे, अगर आप क्लास को रेगुलर और कंप्लीट देखेंगे, इसमें होती हैं सम भिन्न और विषम भिन्न, जिसे क्रमशः इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश में जानते हो आप, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, और जिस भिन्न का हर छोटा होता है ये अंश ऊपर वाला बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिश्र फ्रैक्शन बनते हैं, जिनको सही बटा में ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है? ये मिश्र फ्रैक्शन है। आप समझ रहे हो? नहीं आ रहा समझ में? तो नोट कर लो जल्दी से, और बातों को हमारे सुनने और समझने की कोशिश करिए, ठीक है? तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि वक्त इसके आगे इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि भैया ये डेमो क्लास बहुत कम समय में होती है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, कल सुबह इसी टाइम 5 बजे से आपको वीडियो मिल जाता है। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे तो मिल जाएगा। कल हम आगे देखेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे, आप लोग ट्राई करना। इससे बड़ी भिन्न भी करेंगे, 3 पदों वाली भिन्न का जोड़ घटाना भी सीखेंगे। जैसे अगर इसी में मान लो 1/3 भी दे दिया, इसमें मान लो 5/2 × 1/7 भी दे दिया, तो इस तरह बड़ी बड़ी भिन्न को कैसे हल करते हैं ये सब हम देखेंगे अगली क्लास में। जरूर देखना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, उसमें पिछली क्लासों के लिंक मिल जाएंगे, और इंड स्क्रीन पे देखो ऊपर भी दिख रहे होंगे, आप लोग इन्हें जरूर देख लेना। फिलहाल साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखना। अगर आप इस तरह से वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो खूब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।